तो भाई ये चिप्स हमारे तैयार हो रहे हैं। ये क्या डाल रहे हो? जलेबीनो। क्या? जलेबीनो। जलेबीनो बाकी वेजीज इसमें ऐड कर दिए, ये सिर्फ फॉर टॉपिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये पट्टी में जाएंगे। इसके बाद ये जाएंगे पट्टी में। सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो काफी टाइम बाद व्लॉग बन रहा है, तो कहाँ जा रहे हैं आज हम यार? नसीब बताएगा मुझे पता नहीं, इसने पता नहीं कहाँ से वीडियो देखा। हाँ भाई बताओ क्या सीन है आज का? जा रहे हैं हुसैनाबाद फूड एरिया, फूड स्ट्रीट। मटका चिप्स का ने उसने मटका चिप्स का शॉट दिया, कह रहे मटका चिप्स खाएंगे बेटा, उससे पेट नहीं भरेगा। सही है ना, कोई और चीज खिला लो, वो इतना छोटा सा होता है 200 रुपए का। कुछ और खिला लो खाने वाने का, और खिलाओगे कुछ? चलो ठीक है, परान भाई के साथ तो हम निकल रहे हैं। हमारे साथ आज गेस्ट हैं कुलदीप साहब। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे, तो वहाँ पे पहुँच के डायरेक्ट आप लोगों को मिलते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं अपने लोकेशन पे, हुसैनाबाद का फूड स्ट्रीट कराची का सबसे मशहूर जगह। अब यहाँ पे मसला है कि गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है, तो देखते हैं क्या होता है। नसीब उतरा हुआ है नीचे, नसीब बना करते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहने, ये तो आपको फिर बाद में डिस्कस होगा। कहाँ जा रहे हो, क्या खिला रहे हो बता दो भाई? मटका चिप्स। मटका चिप्स? नहीं नहीं, मटका चिप्स से पेट नहीं भरेगा। और कुछ खिलाओ, देखो आप परफेक्ट फैमिली रेस्टोरेंट। ये बोलान कढ़ाई, नो इशू, कोई भी आप खा लो, कुछ भी चीज खा लो। चलो भाई इसने ऑफर दे दिया, जो भी खाना है। आप क्या कहेंगे, बोलान कढ़ाई हम खाएंगे, हमारा स्वीट जो भी। आप क्या कहते हो, बोलान कढ़ाई में जो कढ़ाई हो जाए बस। क्या खाओगे यार? अभी हमारा ये मतलब फाइनल डिसीजन हुआ है, बोलान कढ़ाई जो है ना यहाँ का सबसे फेमस जगह है। मटका फ्राइज भी खाना है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा चलो भाई पहले मटका फ्राइज ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर आएंगे यहाँ पे। हाँ भाई पहले मटका चिप्स खा के उसके बाद फिर खोल जाएंगे। हेलो हेलो भाई, ठीक है इसकी रिक्वायस्ट थोड़ी पूरी करते हैं। पूछे थे कि मांगा ना, वैसे तो ये खिला रहा भी यही है, पहले मटका फ्राइज उसके बाद फिर यहाँ। तो भाई यहाँ पे डन हो चुका है, मटका प्राइस मीडियम, दो मटका प्राइस मीडियम, वो सिर्फ चखने के लिए। उसके बाद फिर इसका जो है ना बट रेश होगा बलोची में, वो बोलान पे होगा। ठीक है, आएगी नहीं सब यहाँ पे भाई, इनकी मैकिंग चल रही है। याद है बलोची से आंटी गाली है वो, ये प्राइस है, देखते कैसे होता है। अच्छा भाई यहाँ पे मोमोज भी बन रहे हैं, सही है ना? क्या इसका क्या प्राइस है मोमोज का? अच्छा चिकन 250, बीबीक्यू 300, चिकन चिप 350। अच्छा यार परन भाई आपके ऊपर भी रेट लगा, आप अकेले अकेले यहाँ पे आइसक्रीम खा रहे हो, हमें वहाँ पे मटका फ्राइज वाले के पास बैठा हुआ, आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हो। अरे हाँ परन भाई कितने का है? 100 रुपए का। चमचा नहीं दे रहे क्या? ये प्लास्टिक का चमचा भी है ना? क्या देखते परन भाई कैसे है? आगे नहीं दे। 100 रुपए का बहुत अच्छा है यार, सही रेट में मिला है। वहाँ पर भाई इसका भी एक तालीम होना चाहिए। ये हमारे फरहान भाई जो है ना, इतनी भी दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे फरहान भाई जो है ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे व्लॉग में जो है ना यार पहली मरतबा आ रहे हैं, थोड़ा इनको वो हो रहा है। बाकी अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी बातें करेगा फरहान भाई भी। मेरी बातें बहुत कड़वी है, बर्दाश्त नहीं कर पाओ भाई। ये चिप्स हमारे तैयार हो रहे हैं, बनने में तो जबरदस्त लग रहे हैं यार। अभी खा के ट्राई करेंगे फिर पता चलेगा। अभी तैयार हो रहे ऊपर, पिज्जा उज्जा आएगा, जो भी आएगा आइटम वगैरह आएगा वो देख लेना। कौन सा मसाला है? मसाला नहीं, कोई तेल नहीं, तेल नहीं मसाला है सर, वो तेल है मसाला है। चिली ऑयल है, चिली ऑयल है ना? हाँ चिली ऑयल है। ये क्या डाल रहे हो? जलेबीनो। क्या? जलेबीनो। जलेबीनो बाकी वेजीज इसमें ऐड कर दिए, ये सिर्फ फॉर टॉपिंग के लिए। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? ये पट्टी में जाएंगे। इसके बाद ये जाएंगे पट्टी में, पट्टी के बाद फिर हमारे पेट में जाएंगे। ये गया
चाहिए। ये भाई दो चले गए, ये तीसरा भी है। भाई हमारे प्राइस अभी टेस्ट करके बताएंगे फरहान भाई, पहले बिस्मिल्लाह करके फरहान भाई बताओ। पहले फ्रंट तो खोल लो साहब। पहले से गर्म थे उसने वहाँ पे और गर्म कर दिया। ये बत्ती में जो है ना डालने से देखो यार मक्का जो है ना पक चुका है। कैसा है? टेस्टी जबरदस्त है। फरहान भाई बताएंगे, फरहान भाई बताओ। रोटी भी खा सकते, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैं भी तो बताऊँ टेस्ट करके यार। बेटा तू नहीं खा, क्यों तू बिलाओगी बना। चलो भाई ओ सर, आप ये ऊपर वाला से यार थोड़ा मसाला सिर्फ कम है, खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है ना। तो भाई आप ट्रेड बनाइए चिप्स वगैरह से पार करके वगैरह बोला है यहाँ का जो ना वडेरा मिल जाएगा, वडेरा वगैरह मिलते हैं। हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन ग्रिल कढ़ाई, तो उसको अभी आएगा पता चलेगा कैसा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तुम्हारा भी मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम है। गन्ना साहब गन्ना साहब पता चलेगा, संभव आप भी पहले आए हो ना। मलीरी मलीरी गन्ना मलीरी इस बार आप पहले आए हो यहाँ पे। मैं थर्ड क्लास जगह पे नहीं आता। तो भाई हमारे भाई उस्ताद बताएंगे सही। उस्ताद आप क्या काम करते हो आप बता दो अपने काम के बारे में ना, किसी को कोई काम वगैरह हो तो कहाँ पे आना होगा, क्या काम है बता दो। बेटा मलिकपुर में ठीक है ना जी, इंशाल्लाह पाक रहम करेगा। आपका ब्लॉग जो है ना ये बिल्कुल हमारी वजह से बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा, ठीक है मेरी जान। ओके सर, बाकी भाई ने बता दिया यहाँ पे बहुत स्टोर है, आप लोगों को इंशाल्लाह कोई भी काम हो खाने का वायरस कम से रखा कर सकते हैं इंशाल्लाह। हम आपकी वगैरह हमारा डन हो चुका है, तो पार्सल भी करवा लिया मटका भाई ने पता नहीं किसके लिए, तो वो अभी निकलते हैं। याद है तेरे को? तो भाई गाना वगैरह हम लोगों ने जो है ना गा लिया, अब निकल रहे हैं घर की तरफ फाइनली। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। जुम्मे को पढ़ता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपको पता है, काम वाम करते हैं जवानों के लिए। शाम जुमेराती पीर होते ही है, बड़ी सख्त तालीम है, जुमेरात को पैदा होते हैं ना। नहीं फरहान भाई फिर कर लो तालीम में, फिर कर लो तालीम फरहान भाई। हां सुनाओ नोट करो उसको फिर आवाज। हां भाई साला ठीक है भाई, मसला पता है क्या है, पीछे पीछे बंद करो गाड़ी के बाहर आवाज भी आने लगी, पीछे पीछे बंद करो सही आवाज आएगा। मसला ये है कि आप लोग ये समझते हो कि खाली कलमा पढ़ने से आप मुसलमान हो गए, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी के अंदर हो। आपने सिर्फ अपनी जबान से इकरार किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस सिर्फ जबान से इकरार कर दिया, रसूलुल्लाह की एक भी नहीं सुननी है और ना अल्लाह की सुननी है। तुम ना शुक्रे लोग हो, अगर तुम चाहते हो कि हम शुक्र गुजार बंदा बन जाए तो शुक्र तो सिर्फ सजदा करने से अदा होता है। बिल्कुल क्या करने से अदा होता है? सजदा करने से। जब आप सजदा करेंगे तो समझ लें आप अल्लाह के शुक्र गुजार बंदे बन गए, अगर आप सजदा नहीं करेंगे तो आपकी नस्लें सजदा नहीं करेंगी, ना आपकी औलादे करेंगी, ना आपके बच्चे करेंगे। और अगर आप लोगों ने कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा ना, तो आप चाहे जिंदगी भर क्या कयामत तक तबलीग करते रहो, अल्लाह का दीन नहीं आएगा। वैसे तो अल्लाह का दीन आना है वो अल्लाह ही लेके आएगा,
मगर पूरी दुनिया में आपकी तबलीग के जरिए दीन नहीं आ सकता जब तक आप कुरान को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ोगे, वो हिदायत की किताब है, समझे ना। बाकी तुम्हारी मर्जी है जैसे जिंदगी गुजारते गुजारो, अगर नमाज कायम कर लोगे तो शायद अल्लाह हमें माफ़ कर दे। बाकी है कि मस्जिद अक्सा बुला रही है हमें, बिल्कुल अगर हम मस्जिद अक्सा पहुँच जाए किसी तरीके से, आप लोगों को आपका शहर मुबारक हो। बहुत 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 अच्छी बात कही है फरहान भाई ने, बातों को सुनना नहीं अमल भी करने कोशिश करेंगे कि आप लोग भी कोशिश करो अमल करने की। तो भाई इस व्लॉग को मैं कर रहा हूँ अब यहीं पे एंड, सही है ना, टोटो के साथ, टोटो के साथ ही। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों के व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक कमेंट शेयर करना ज़रूर और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, सही है ना। मिलते हैं आने वाली बेस्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।